जय विज्ञान चिल्ड्रेन आई एम अगेन हियर विद द लास्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस और वो है एसएस चैप्टर एट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैन बी डिस्क्राइब एज अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई भी पीपल या कोई भी चीज़ यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना या ले जाना उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं वी ऑल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हम सबको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग मीन्स का यूज़ करते हैं कार्ट, टोंगा बाइसिकल स्कूटर मोटरसाइकिल जीप कार बसेस एंड ट्रेन्स आर ऑफन यूज फॉर ट्रैवलिंग। तो हम ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत सी सा, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे कि बुलोक कार्ट है टोंगा है बाइसिकल है टोंगा मतलब हॉर्स कार्ट ओके बाइसिकल है स्कूटर है मोटरसाइकल है जीप है कार है बसेज है ट्रेन है इन सारे चीज़ों में से किसी भी चीज का हम यूज करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए बुलॉक कार्ड्स एंड टोंगास आर ड्रिवन बाय एनिमल्स बुलॉककार्ड्स को बुलॉक्स चलाते हैं और टोंगास को हॉर्स चलाते हैं पीपल इन विलेजेस यूज कैमल गांव में जो लोग रहते हैं वो लोग कैमल का के यूज करते हैं बुलॉककार्ड्स बुलॉक का यूज करके बुलॉक कार्ट चलाते हैं एंड ट्रैक्टर्स फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर गांव में जो लोग रहते हैं ना वो लोग एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैमल बुल्ड ट्रैक्टर्स इन सब चीजों का यूज करते हैं इन सिटीज एंड टाउन्स पीपल ट्रेवल इन बसेस कार्स एंड टैक्सीज सिटीज और टाउन्स जो कि बड़े होते हैं ओके okay, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बुलॉक कार्ड के थ्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट तो वो लोग क्या यूज करते हैं बसीज कार्स टैक्सीज इन सब चीजों का यूज करते हैं इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई कोलकाता चेन्नई एंड डेली पीपल आल्सो यूज लोकल एंड मेट्रो ट्रेन्स। बहुत बड़े सिटीज़ यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो फोर सिटीज़ हमने स्टडी किए डेली मुंबई कोलकाता और चेन्नई तो उसमें लोग जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोकल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का यूज़ करते हैं दे आर रन बाई गवर्नमेंट एंड आर कोल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो ट्रेन्स जो है वो गवर्नमेंट चलाती है और उसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं पैसेंजर्स हैव टू तो पे द फेयर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग दिस सर्विसेज गवर्नमेंट ने जो टिकट्स तय की है उसको पैसेंजर को पे करना है उसमें ट्रैवलिंग करने का चार्ज ओके वो टिकट्स परचेज करके वो टिकट लेके वो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह उस ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल टू मूव एंड कैरी देर गुड्स फ्राम वन प्लेस टू अन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है तो वो जो है वो लोगों को हेल्प करते हैं मूव होने में या कैरी करने में उनके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वी कान्टूज़ द सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग टू ऑल प्लेसेस हम सब जगह जाने के लिए एक ही मीन्स का यूज नहीं कर सकते जैसे कि मेरे पास एक्टिवा है तो मुझे अगर मोरबी में कहीं जाना है तो मैं एक्टिवा लेके जा सकती हूँ पर मुझे अगर मोरबी से अहमदाबाद जाना है तो मैं एक्टिवा लेके नहीं जा सकती उसके लिए मुझे कार बस ट्रेन इनमें से किसी भी चीज किसी भी व्हीकल का यूज करना पड़ेगा द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज डिपेंड ऑन हाउ फार और नियर द डेस्टिनेशन इज यानी कि हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें जो जगह जाना है वो कितनी दूर है या कितनी नज़दीक है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम एट हैंड उस ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है अगर हमें फास्ट यहाँ से अहमदाबाद पहुँचना है तो हम कार लेके जाएंगे अगर हमारे पास इनफ टाइम है तो हम बस से भी जा सकते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिडेड इन टू लैंड वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसके तीन टाइप्स है लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट देर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स इन आर कंट्री हमारी कंट्री में रोड्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है बहुत लार्ज नेटवर्क है ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउं आर कनेक्टेड बाई रोड्स जो सारे इम्पोर्टेंट सिटीज और टाउन्स है वो एक दूसरे से रोड्स के थ्रू कनेक्टेड है यानी कि हम किसी भी सिटी या टाउन में जाने के लिए हमारे पास रोड्स होते हैं। उस रोड्स के थ्रू हम ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं सम ऑफ द विलेज रोड्स आर कच्चा रोड्स बुलोक कार्ड्स ट्रैक्टर्स एंड हॉर्स कार्ड दैट आर यूज इन विलेजिस यूज कच्चा रोड्स कुछ विलेज ऐसे हैं वहाँ पे पक्के रोड नहीं है ओके okay? वहाँ पे कच्चे रोड है तो इन कच्चे रोड्स पर हम क्या यूज करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बुलोक कार्स ट्रैक्टर्स हॉर्स कार्स इन सारी चीज़ों में हम ट्रैवल करके कच्चे रोड पर जा सकते हैं द कैमल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट इज अ वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट रीजियंस डेजर्ट रीजियन में अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पे हमें कैमल का यूज करना पड़ेगा क्योंकि कैमल जो है वो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है डेजर्ट में ट्रेवल करने के लिए सो so, उसको हम शीप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं एलिफेंट्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग लोड्स इन फॉरेस्ट अगर हमें फॉरेस्ट में ट्रेवल करना है या फिर फॉरेस्ट में कोई भी गुड्स या हेवी लोड्स मतलब भारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम एलिफेंट का यूज़ करते हैं इन माउंटेन रीजनस वी यूज़ रोपवेज जिसको बोलते हैं ट्रॉलीज़ और ट्रैवल बाय फुट माउंटेन रीजन्स यानी कि हाइट वाली जगह पे अगर हमें जाना है तो वहाँ पे या तो रोप होते हैं या फिर ट्रो जिसको ट्रॉलीज़ भी कहते हैं या फिर हमें चढ़ के जाना पड़ता है इन सिटीज़ वेयर वी हैव पक्का रोड्स बसेस कार्स ट्रक्स ट्रेन मोटरसाइकल्स एक्सेट्रा आर द मेन मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट बड़े बड़े सिटीज़ में जहाँ पे पक्के रोड्स होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस कार्स ट्रक्स ट्रेन मोटरसाइकल्स बाइक्स ये सब कुछ अवेलेबल होता है वी कैन गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर बाई बस और ट्रेन इंडिया में अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम बस या ट्रेन का यूज कर सकते हैं ट्रक इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरियंग गुड्स अगर हमें गुड्स को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह तो मोस्ट कॉमनली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रक ट्रक के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं सो हियर वी कैन सी कि एलिफेंट के थ्रू वो लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं चीज़ें कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और ये जो एलिफेंट है वो एक लकड़ी का लॉग लेके जा रहा है तो इस तरह से हैवी लोड्स भी वो लेके जाते हैं और दूसरे जो दोनों पिक्चर्स हैं नीचे वाले उसमें रोप वे दिखाया है कि किस तरह से माउंटेन पर हम रोप वे में ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बोथ पीपल एंड गुड्स ट्रेन्स जो है वो दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की यूज होती है या पीपल भी जा सकते हैं उसमें और गुड्स भी जा सकते हैं जो पीपल को लेके जाते हैं दैट इज कोल्ड पैसेंजर ट्रेन और जो गुड्स लेके जाती है दैट इज कोल्ड गुड्स ट्रेन गुड्स ट्रेन कैरी मैनी थिंग सर्च फूड ग्रेन्स कॉल्स मिनरल्स फ्रूट्स

थ्रू गुड्स ट्रेन हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं नाम वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर रोड्स और मेटल ट्रैक्स वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सस्ता रहता है चीप क्योंकि इकोनॉमिक बोलते हैं उसको इकोनॉमिक का मतलब है थोड़ा रिजनेबल रहता है क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में हमें जाने के लिए रोड्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है बट उसकी जगह अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट में जाए तो सी और रिवर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे कोई रोड नहीं बनाना पड़ता हम ऐसे ही शिप या बोट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट इज जनरली यूज टू ट्रांसपोर्ट बल्कि एंड हैवी गुड्स वाटर ट्रांसपोर्ट में जनरली बल्कि और हैवी यानी कि भारी वजनदार चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है द शिप्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स आर कोल्ड कार्गो शिप्स जो शिप्स गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको हम कार्गो शिप्स कहते हैं जैसे कि गुड्स ट्रेन है इस तरह से कार्गो शिप्स है तो बिसाइड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स शिप्स आर ऑल्सो यूज एज means ऑफ ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के सिवाय शिप्स को हम एज अ मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग भी यूज़ करते हैं यानी कि लोग भी पीपल भी उसके थ्रू जर्नी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं दीज शिप्स आर कोल्ड क्रूज शिप्स उसको हम क्रूज शिप्स कहते हैं इन द पास्ट बोट्स वेर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स पहले के ज़माने में जहाँ पे लोग मोस्टली सीशोर पर या नदी किनारे रिवर बैंक पर ही रहते थे क्योंकि वहाँ पे उनको पानी इजीली अवेलेबल हो जाता था वहाँ की मिट्टी भी फार्मिंग के लिए अच्छी रहती है रिवर बैंक वाली तो इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग रिवर के आसपास ही रहते थे और इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिवर का ही यूज़ करते थे तो वाटरवेज व चीपर और उनको इजीली अवेलेबल भी था वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज़ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज अगर हम बिजनेस के टर्म्स में देखें तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के लिए हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो फर्स्ट शिप है वो कार्गो शिप है यानि कि जो माल सामान लेके एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता है आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर के कंटेनर्स उसमें भरे हुए हैं शिप में तो कभी कभी तो पूरी की पूरी शिप जो है वो कंटेनर्स से भरी हुई होती है लॉडेड होती है ये वही कंटेनर्स है जो हम रोड्स पर अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रक में जा रहे होते हैं वही के वही कंटेनर क्रेन के थ्रू उठा के वो लोग शिप में रख देते हैं और एक के ऊपर एक इस तरह से पूरी शिप भर जाती है फिर ये दूसरा जो पिक्चर है और नीचे वाला पिक्चर है वो पैसेंजर शिप यानी कि क्रूज है हम लोग कभी बहुत टाइम सुनते हैं कभी कि कोई कहीं घूमने गया है तो वो क्रूज़ पे गया है क्रूज़ पे गया है तो क्रूज़ का मतलब है इस तरह से शिप में घूमने जाना ये शिप जो है उसमें देखो अब बहुत सारे फ्लोर्स है कम से कम ट्वेल्व टू फिफ्टीन फ्लोर्स है उसमें ओके उसमें लोग रहते हैं होटल होता है खाते पीते इंजॉय करते सब कुछ करते और ये जो है ना वो टॉप व्यू है शिप का यानी कि ऊपर का सबसे ऊपर टेरेस वाला उसके टेरेस पर इस तरह से स्विमिंग पूल रहता है लोग घूमते फिरते हैं वहाँ पर ये एंटरटेनमेंट एन, एन, एक्टिविटीज़ होती है ये सारा सब कुछ जो है वो शिप के टॉप फ्लोर पे होता है तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी क्रूज शिप होती है नाउ एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बट ट्रैवलिंग बाय एयर ट्रांसपोर्ट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे फास्ट मीन्स है मतलब सबसे ज्यादा जल्दी से अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहे ना तो एयर ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट वे बट उसका ड्रॉबैक ये है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगा है दूसरे सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आर कंट्री हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ एयरवेज टू हमारी कंट्री का एयरवेज़ का भी नेटवर्क अच्छा है ऑल मेजर सिटीज़ हैव एयरपोर्ट्स सारे बड़े सिटीज़ जो हैं उसमें एयरपोर्ट्स रहते हैं हमारे मोरबी में एयरपोर्ट नहीं था अभी तक पर अभी डेवलप हो रहा है राज राजपर रोड पर एयरपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ने पास कर दिया है और बहुत जल्द वो लोग बना देंगे एयर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल ड्यूरिंग कलामिटीज़ एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थ क्वेक्स एंड फ्लड्स कभी कभी कोई कुदरती प्रॉब्लम होता है कुदरती मतलब नेचुरल डिज़ास्टर्स जब आते हैं कुदरती आफत जिसको बोलते हैं जैसे कि फ्लड आया है या अर्थक्वेक हुआ है तो एयर ट्रांसपोर्ट है मतलब हेलीकॉप्टर के थ्रू लोग जा जा के फूड पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को जो लोग प्रॉब्लम है जिसका घर गिर गया है जिसके पास कुछ नहीं है तो ऐसे लोगों को वो लोग फूड प्रोवाइड करते हैं हेलीकॉप्टर से तो इस तरह से जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तब एयर ट्रांसपोर्ट बहुत हेल्पफुल रहता है नाउ कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन यानी कि हम किसी को भी मैसेज भेजें या किसी का भी मैसेज हमें आए इसका मतलब है सेंड एंड रिसीव तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं इन एंशंट टाइम्स पीपल यूज टू कम्युनिकेट टू देयर नियर एंड डियर वन थ्रू साइंस एंड सिंबल्स पहले के ज़माने में जब लैंग्वेज है लैंग्वेज फाइंड नहीं हुई थी ओके okay, लैंग्वेज है ऐसा पता ही नहीं था तब वो लोग साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ करते थे एक दूसरे को कोई भी बात समझाने के लिए थे सेंट मैसेजेस बाय बीटिंग ड्रम्स एंड सिग्नलिंग थ्रू स्मोक एंड फायर अगर किसी को बहुत दूर दूर तक कोई संदेशा भेजना है तो वो लोग क्या करते थे ड्रम बजाते थे ज़ोर जोर से या फिर स्मोक या फायर यानी कि धुआं उड़ाते थे उस धुएँ से वो सामने वाला समझ जाता था कि वो क्या कहना चाहते हैं जैसे कि आर्मी है तो आर्मी में आज भी यही ट्रेडिशन है कि आर्मी वाले अगर किसी भी बेस कैंप के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो वो उनका तय किया हुआ जो कलर है उस कलर का धुआं वो लोग आकाश में उड़ाएंगे इसका मतलब है कि वो लोग अपने मिशन में कामयाब हुए हैं स्मोक सिग्नल आर यूज बाई आर्मी पर्सनल इवन टूडे टू सेंड देर मैसेजेस मैंने कहा ना कि आज भी आर्मी वाले लोग इसी तरह से मैसेज भेजते हैं नाव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नाव डेज बी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ टू कम्युनिकेट विद द पीपल लिविंग इन अदर प्लेसेस यानि कि अभी जो है वो लोग अलग अलग मीन्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए दे आर पोस्टल सिस्टम टेली कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन ये तीनों मेन कम्युनिकेशन सिस्टम है न फर्स्ट वन इज़ पोस्टल कम्युनिकेशन पोस्टल सिस्टम इज़ द चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पोस्टल सिस्टम जो है वो चीपेस्ट ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वी कैन बाई लेटर्स पोस्ट कार्ड्स मनी ऑर्डर्स फॉर्म्स मनी ऑर्डर फॉर्म्स एट्सट्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या बाय करते हैं पोस्ट कार्ड्स बाय करते हैं लेटर्स बाय करते हैं मनी ऑर्डर का फॉर्म भी बाय करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम पोस्ट ऑफिस से बाय करते हैं अब ये सारी चीज़ें हैं क्या लेटर्स यानी कि सिंपली किसी को लेटर लिखने के लिए लिफाफा आता है वो पोस्ट कार्ड्स तो पोस्ट कार्ड ऐसा आता है थोड़ा सा थिक मटेरियल का आता है और उसमें हम आगे पूरा पेज लिख सकते हैं और पीछे हाफ पेज बाकी जो हाफ पेज बचा उसमें हम उसका एड्रेस लिखते हैं जिसको वो भेजना है फिर मनी ऑर्डर फॉर्म्स मनी ऑर्डर फॉर्म्स में क्या होता है कि अगर हमें यहाँ से कहीं पर पैसे भेजने हैं तो मैं उसका एड्रेस और जो पोस्ट ऑफिस का चार्ज है वो और हमें जितने पैसे भेजने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टू थाउजेंड रुपीज़ भेजने हैं यहाँ से अहमदाबाद तो मैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाके मनी ऑर्डर का फॉर्म भर देती हूँ और टू थाउजेंड रुपीज़ पे कर देती हूँ प्लस पोस्ट ऑफिस है जो वो हमारा काम करने के लिए जो कमीशन लेते हैं वो पे कर देते हैं हम तो तुरंत ही हमारा मनी ऑर्डर जैसे ही अहमदाबाद पहुँचेगा तो वहाँ से कोई भी पोस्टमैन उस एड्रेस पर जाके वो मनी ऑर्डर के पैसे उसको दे देगा अर्जेंट लेटर्स आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट बाई कुरियर अर्जेंट लेटर्स जो होते थे उसको हम स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू भेजते हैं द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एट द डेस्टिनेशन पोस्टमैन जो है वो लेटर्स डिलीवर करते हैं डेस्टिनेशन पर यानी कि जहाँ पे उसको भेजना है जो एड्रेस उसमें लिखा है उस जगह पर द पिन पिन का मतलब है पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड एश्योर्स स्पीडी डिलीवरी पिन कोड जो है उससे हमारे जो लेटर्स है हमारे जो एनवेलप्स है उसका डिलीवर करना बहुत ईजी हो जाता है तो पोस्टर इंडेक्स नंबर से है ना उसका डिलीवरी जो है ना किसी भी लेटर्स का वो एकदम फास्ट हो जाता है नाउ टेली कम्युनिकेशन टेलीफोन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट मीन्स जो है वो टेलीफोन है इट इज़ ए डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सीधा हम जिससे बात करना है ना उसी को हम फोन लगाते हैं और बात कर लेते हैं इट वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल उसको इन्वेंट करने वाला इंसान अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल था टूडे पीपल प्रीफर टू बाई अ मोबाइल फोन्स इंस्टेड ऑफ टेलीफोन बिकॉज दे आर हैंडी आज जो है वो लोग लैंडलाइन फोन्स के बदले मोबाइल फ़ोन्स परचेज करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो हैंडी है मतलब हाथ में उसको पकड़ के, के उसको लेके हम कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं द एस एम एस एस एम एस का मीनिंग है शॉर्ट मैसेज सर्विस इज रेपिडली बिकमिंग पॉपुलर फॉर सेंडिंग मैसेजेस ये एस एम एस जो है वो बहुत जल्दी से पॉपुलर हो गए हैं मैसेज सेंड करने के लिए नाउ फैक्स फेसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स इज़ यूज फॉर सेंटिंग सेंडिंग प्रिंटेड और रिटर्न मटीरियल्स यानी कि हमें किसी भी इंसान को कोई भी लेटर भेजना है ओके तो उसको हम फैक्स मशीन आती है तो उसका एक नंबर होता है जैसे टेलीफोन नंबर होता है ना वैसे फैक्स नंबर होता है तो उस मशीन में उस पेपर को रख के अगर फैक्स नंबर डायल करें तो सामने वाले के वहाँ रिंग बजेगी जैसे हमारे फ़ोन की रिंग बजती है ना वैसे ही फिर वो उसको रिसीव कर सकता है तो यहाँ से वो लेटर जो है उसकी एक कॉपी उसके वहां पे रिसीव हो जाएगी वो लोग उसको प्रिंट निकाल सकते हैं इंस्टेंट मैसेजेस एंड लेटर्स कैन बी सेंट बाय अ फैक्स विथ द टच ऑफ अ बटन कोई भी पेपर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम इस तरह से फैक्स के थ्रू भेज सकते हैं नाउ कंप्यूटर्स we can communicate with people anywhere in the world very quickly using the internet yani ki hum internet se computer par bahut jaldi se world ke kisi bhi corner mein kisi se bhi baat kar sakte hain we can also send an electronic mail that is called email through the internet हम लोग इंटरनेट के थ्रू ईमेल्स भी सेंड कर सकते हैं ईमेल इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लेटर जिस तरह से हम लेटर भेजते थे उस तरह से हम ईमेल भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू केबल्स कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ केबल से कनेक्ट होते हैं दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेटवर्क इसको हम नेटवर्क भी कह सकते हैं व्हेन डिफरेंट नेटवर्कस अक्रॉस द वर्ल्ड आर लिंक्ड टूगेदर इन द इन ऑर्डर टू शेयर कॉमन डेटा इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट कंप्यूटर्स जो हैं वो केबल से कनेक्टेड होते हैं ओके okay? एंड उन केबल्स सारे कंप्यूटर के सारे केबल्स को अगर हम इकट्ठा करें तो उसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं जब अलग अलग नेटवर्क में पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स जो हैं वो किसी चीज़ से जुड़ जाए एक दूसरे के साथ उसको इंटरनेट कहते हैं यानी कि पूरी वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो है उसको हम इंटरनेट कहते हैं

टेलीविज़न है न्यूज़पेपर्स है मैगज़ीन्स हैं ये सारी चीज़ें हैं ना वो हम एक बार में बहुत सारे लोगों को एक साथ दिखा सकते हैं बता सकते हैं दे प्रोवाइड अस विध ग्रेट वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट ये जो है ये न्यूज़ पेपर है या मैगजीन है या रेडियो टेलीविज़न ये सारे जो है ना, वो उसकी वैरायटी बहुत अलग अलग होती है और उनकी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के में भी हमें हेल्प करते हैं न्यूज़ पेपर गिव अस न्यूज़ अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर कंट्री एंड द वर्ल्ड न्यूज़ पेपर जो है वो हमें अलग अलग न्यूज़ दिखाते हैं पूरे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के न्यूज़ कैन बी इंस्टेंटली ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविज़न और रेडियो बहुत जल्दी ही ब्रॉडकास्ट हुआ है ऐसा कोई अगर आपको वीडियो देखना है तो उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए टेलीविज़न या रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं और टेलीविज़न में सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं ऑन रेडियो वी कैन ओनली लिसन टू द न्यूज़ बट ऑन टेलीविज़न वी कैन बोथ लिसन एंड सी द इवेंट्स हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मैंने बोला ना कि रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं और टेलीविज़न में देख सकते हैं और सुन सकते हैं दोनों कर सकते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न आर also means of entertainment and education radio television जो है वो means of entertainment है मतलब इसके through हम entertain करते हैं और education भी है a large number of people are benefited by radio and television बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे people जो हैं वो उनको benefit मिलता है radio और टेलीविजन का सो हियर वी एंड अप विथ दिस चैप्टर आल्सो तो आज ऑफिशियली हमारा सारा कोर्स कंप्लीट हो गया ओके okay? अब नेक्स्ट वीक से हम प्रैक्टिस शीट का वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस शीट को लर्न करने के लिए एग्जाम के लिए लर्न करेंगे ओके okay? तब तक स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू एंड गुड बाय एंड है बाय